हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने जा रही है। वहीं हर रोज सैकड़ों लोग बॉर्डर के रास्ते देश से निकलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तालिबान के शपथ ग्रहण से पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हजारों लोग जमा हैं। ये लोग किसी भी तरह से बस अफगानिस्तान से निकल जाना चाहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है और जहां जहां एंट्री पॉइंट्स हैं वहां वहां कुछ ऐसे ही हालात हैं जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान ने इन इलाकों से अपने सैनिकों को हटा दिया था, लेकिन पलायन के बाद एक बार फिर से बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और अफगानी देश छोड़ना चाहते हैं। राजधानी काबुल समेत अफगानिस्तान में इस वक्त महिलाएं देश भर में नई सरकार में भागीदारी के लिए भी प्रदर्शन कर रही हैं। उन्हें डराने के लिए तालिबान हवाई फायरिंग कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान में महिलाएं तालिबान के खिलाफ डट कर खड़ी हैं। महिलाएं अपना अधिकार मांग रही हैं। और थोड़ी देर में करनाल में किसानों और प्रशासन की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी, आपको सीधे वहीं लिए चलेंगे एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।